और कितने ये चोर हैं, इन्हें सबसे शुरू में ये कहा था चुनाव आने से पहले 2014 में कि हम बड़ी करेंसी बंद करके छोटा नोट लाएंगे, तो छोटे नोट की जगह और बड़ा ला दिया। और जब इन्होंने कोरोना चलाया, एक भी मोदी जी किसी किसान को मजदूर को बता दो आज तक कोई सा किसान या मजदूर कोरोना से मरा हो। पहले तुमने थाली बजवा दी तो कोरोना भगा दिया, फिर तुमने दिए जलवा दिया तो कोरोना भगा दिया, अब तुमने वो वैक्सीन बना ली एक कच्ची जो तो आप ये देखेगा परेश वाले की हिंदुस्तान कितनी बढ़िया कह रहा है, वो कह रहा है जी हिंदुस्तान ये किसान नहीं है, और क्या है तुझे कधे दिखाई दे रहे क्या, और गधे की दुआती अगर जो पड़ेगी तो मुंह तोड़ दिया किसान गधा तो। और भैया देखो एक बात और सुन लो, मोदी जी भी योगी भी तेरे सुन लो, किसान जब तक बिजावे तो एक घर वाली खाना बनावे उसका, और बालकों को भी खिलावे, कपड़े भी धोवे और मुंह मौज भी करे। किसान जब तक बिजा दे अगर जो कहीं डॉक्टर ने कुछ कह देना साल से कितना नहीं उसके देते तो जो कुछ भैया तुम भी रही हो, और जब भी जनवरी को जो होना है ना वो होगा। ये किसान के ऊपर गोली चलवा कभी तो लोग कहते हैं ये आतंकवादी है, वो आतंकवादी है क्या, तेरे दो ही है ये दोरी का क्या, अब तो किसान बहुत हो गया इकट्ठा, अब कहाँ तक मारोगे तुम, मार लियो कितने मारोगे भाई, किसान मरने को भी तैयार है पर बनी तुम्हारी भी चर्चा की। मैं घनश्याम सिंह पांडे डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से जिला प्रचार मंत्री, गाँव मेरा सरकड़ा चक्राजमल है, धामपुर तहसील और धामपुर थाना पड़ता है। सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि मोदी जी को सबसे बड़ा आज जो बुरा लग रहा है, मोदी और शाह को जो बुरा लग रहा है, किसान ने दो कपड़े अच्छे से पहन रखे के इसे तो फटी हुई लंगोटी में देखना चाहिए, जो ये टर्म्स की भाषा यहाँ ला रहा है लिवायत है, ये नहीं चलने का कतई भी, और ये कह रहे कि हमने आय दुगनी कर दी, ये 2-2 हज़ार का ढेकला मार्क है, यहाँ 10 करोड़ किसान रहता है, आपके 3 करोड़ को 2-2 हज़ार का वो दिया, भीख भीख कौन मांग रहा है, हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य हमें चाहिएगा, भीख कौन सा मांग रहा है, भीख को बंद कर दो, अगर जो हमारा समर्थन मूल्य सही मिलेगा तो हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। सही बात यह कि आज ये नुकर है कि हम ही हैं, ये तो किसान अपनी मटमूर्दी में है, ये हट बांधो बैठे, अब भैया तुम हमसे ज्यादा हट बांध रखी, वोट तुम्हें हमने दिया, हमने तुम्हें बना के भेजा था, तुम अपने आप बन के नहीं आए, तो कम से कम उस किसान की अंदाजा की बात तो माननी चाहिए थी। इन्हें क्या दिखाई दे रहा, इन्होंने कह कर इतर तो ला रखा हक्का अमरीका का, और जितने ये चोर हैं इन्हें सबसे शुरू में ये कहा था चुनाव आने से पहले 2014 में कि हम बड़ी करेंसी बंद करके छोटा नोट लाएंगे, तो छोटे नोट की जगह और बड़ा ला दिया, 2000 का कर दिया, ओ भैया काला धन वो भी गुप्त हो गया, और जितना काला धन, सबसे पहली चीज ये है कि अपनी पेंशन पे पेंशन बढ़ाते चले जा रहे, अबर मोबाइल का खर्च 450 रुपए चलता है नेट का, और इनके 18,000 रुपए नेट का खर्च लेते भत्ता ये अपना, और रही बात कपड़े की धुलाई 26,000 रुपए ले में, और भाई तुम अपनी भी कह कर पेंशन बंद कर दो, सब बंद कर दो, जब तुमने सबकी बंद कर दी तो अपनी बंद कर दो, क्यों वो कर रहे, किसान का समर्थन मूल्य चाहिएगा, किसान जब खेत में अन्न पैदा कर रहा है, सबका पेट किसान पाल रहा है, आज इन्हें दुखी है क्यों, ये तो चाय बेची इन्होंने तो, ओ भैया तू कह कर कई करोड़ की बंडी क्यों पहन कर रहा है, ये तो समझा दे हमें। योगी नाथ क्या कह रहे हैं, बड़े वाले सांड वे हैं मंदिरों के डिब्बे वाले, डिब्बा बोल रहे ना जी, तो आप ये देखें वो क्या कह रहे हैं, योगी जी क्या करें कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान के लिए किसान सम्मान निधि से प्रतिनिधित्व करा है, और यहाँ का 10 करोड़ किसान है, पर हमने इस बार 3 करोड़ को दिया, 7 करोड़ को बिल्कुल वंचित रख दिया सम्मान निधि से, ये फर्जी झूठी वो है, बिल्कुल झूठी सरासर। और दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं कि मेरे किसान भाइयों और मजदूरों, आप ये देखिएगा जब तुम 8,000 रुपए निजी ट्वेल का बिल देते थे, अब हमने 10,000 और बढ़ाए कर तुम्हारे भीतर 18,000 का कर दिया, 18,000 दोगे तुम, पहले 8,000 दे करते थे, तो इन्होंने जी आए कितनी कर दी, 3 गुनी, ये देखेगा
18,000 बिल चुकाना पड़ गया किसान को। अब इन्होंने एक और नियम ला रहे हैं ये बिजली, घरेलू बिजली का। जब हम 2.27 रुपये पर यूनिट बिजली देते थे तो अब इन्होंने एक फिक्स चार्जर कर दिया, उससे ऊपर एक भी यूनिट बढ़ेगा तो 5.56 रुपये दे होगा, तो हमारी आय और दुगनी कर दी। हमारे यहीं जस्ट लगा होया उत्तराखंड, जिसमें 630 रुपये का गैस का सिलेंडर है, 630 का, और 100+ रुपये वहाँ की सब्सिडी है, और हमारे यहाँ 760 का सिलेंडर है, 25 रुपये की सब्सिडी, किसी को मिली किसी को ना मिली। तो भैया इतना बड़ा अंतर क्यों? अभी जस्ट लगा हुआ हरियाणा, वहाँ 380 को गन्ना बिक रहा, हमारे यहाँ 325 को बिक रहा। भाई ऐसी क्या अनदेखी है? अब कहे कि सरकार ने अंधी आँख कर रखी, बना के भेजा था। और जब इन्होंने कोरोना चलाया, एक भी मोदी जी किसी किसान को और मजदूर को बता दो आज तक कोई सा किसान या मजदूर कोरोना से मरा हो। पहले तुमने थाली बजवा दी तो कोरोना भगा दिया, फिर तुमने दिए जलवा दिया तो कोरोना भगा दिया, अब तुमने वो वैक्सीन बना ली, एक कक्की जो तो घुसेड़ेंगे, अब जा वैक्सीन बना दी, तुम अपना इलाज तो कराने जा रहे विशेष, अब वैक्सीन तुमने यहाँ बना ली क्या? कहाँ से बना ली वो वैक्सीन भाई? अब यो क्या है, तुम किसान को तो अनदेखी करना चाह रहे, किसान को तुम यहाँ फेल करना चाह रहे। जी हिंदुस्तान, आप ये देखेगा परेश वालों का, जी हिंदुस्तान कितनी बढ़िया कह रहा है, आए है पूछो मत ना, वो कह रहा है जी हिंदुस्तान किसान, ये किसान नहीं है और क्या है, तुझे गधे दिखाई दे रहे क्या? और गधे की दुआती अगर जो पड़ेगी तो मुंह तोड़ दिया, किसान गधा तो है ही है। और भैया देखो एक बात और सुन लो, मोदी जी भी योगी भी सहरे सुन लो, किसान जब थका पिटावे तो एक घरवाली खाना बनावे उसका, और बालकों को भी खिलावे, कपड़े भी धोवे और गु मौज भी करे। किसान जब थका पिटा दे, अगर जो कहीं धोखे में कुछ कह दे ना सास्ते के पहनी उस पर फेर दे तो चौकस भैया तुम भी रही हो, किसान तो बड़ा बैठा, उसे पता ना वो गन्ना छोलना तो जाने या गन्ना काटना जाने या वो फिर पहनना जाने कि पहनने कैसे है। किसान को तुम आज कह रहे कि हम इसकी आय दुगनी कर दे, भाई कैसे कर देंगे इस बिल के बारे में? अब तुमने आज तक किसी को यो बताया, यो कहाँ से तुमने बात कर दिया, क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया, किसी का थाना मसौरा लिया ना लिया? एक तरफ तुम नू कह रहे कि हम बालकों को रोजगार देंगे, ओ भैया यो कैसा रोजगार है? तुमने तो सबको संविदा पर कर दिया, सबको संविदा पर, संविदा पर क्या कर दिया? वो पहले 5 साल तक संविदा में रहेगा, फिर टैक्स में बैठेगा, टैक्स में पास ना हो तो उसका भी उठ गया, तो तुमने तो बिल्कुल बंटाधार कर दिया। अब भैया कहाँ का वो रह गया, कहाँ का रोजगार रह गया? और जो तुम हक की वो लाना चाह रहे ना अमेरिका की, अमेरिका ने करके देखा पहले, उसकी ना चली, पर किसान हुआ कर लंगोटी में कर दिया तुमने, किसान लंगोटी में कर दिया, तुम यहाँ भी यही चाह रहे। पर भैया ऐसा किसान हो ना देने के, मोदी जी अगली भी सुन लियो, किसान अब के तुम्हें वोट देने का ना कतई ना देने का, बिल्कुल ना देने का, मेरा तो कहना यही है भैया। इन्होंने सारा खेल खत्म कर दिया, और 26 जनवरी को जो होना है ना वो होगा, ये किसान के ऊपर गोली चलवाए कभी तो नू कह दे कि ये आतंकवादी है, वो आतंकवादी क्या है, दिरेश दोई है, ये दोरी का क्या है? आप ये देखेगा जब देश आजाद होया था किसी गांव में एक तो स्वतंत्र सेनानी था और किसी में थे नहीं दूर दूर तक, अब तो किसान बहुत हो गया इकट्ठा, अब कहाँ तक मारोगे तुम, मार लियो कितने मारोगे भाई, किसान मरने को भी तैयार है, पर बलि तुम्हारी भी चढ़ जाएगी।